इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकानोडर्मेटा की क्लास ऑफी यूरिट्स में रिप्रोडक्शन के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इज द कैपेबिलिटी दैट यूजुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो यूनि है मल्टी सेलुलर है दैट हैज टू रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कीप देयर जनरेशन अलाइव इसी तरह से ऑफि यूनिट्स में एग्जाम्पल ब्रिटल स्टार है या दूसरे भी जो एनिमल्स हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है ये एनिमल्स जो हैं ऑफिज़्स में दे आर डायोशियस डायोशियस का मतलब है मेल और फीमेल स्पीशीज़ जो हैं वो सेपरेट हैं और मेल जो हैं यूजुअली दे आर स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू देट ऑफ द फीमेल एंड दे आर नॉर्मली कैरिड बाय द फीमेल आल्सो इनके गोनेड्स जो हैं बोथ इन केस ऑफ मेल स्पीशीज़ एंड इन केस ऑफ फीमेल स्पीशीज़ दिज गोनेड्स आर एसोसिएटेड विद द बर्सा एंड गैमिट्स जो हैं दे आर आल्सो रिलीज्ड इन दर्सा फीमेल जो हैं दे प्रोडस एग्ज मेल प्रोड्यूसम्स एग्जेली शेड आउटसाइड आर रिटेन बर्सा वेन एवर देट स्पम देर्टिलाइज एंडिलाइज एग इज़ कॉल्डोड अंडर गो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और उसके अंदर अर्ली डेवलपमेंट भी होगी और लेट डेवलपमेंट भी होगी आफ्टर डेवलपमेंट द स्ट्रक्चर फॉर्म इज़ यूजली नोन एज द एम्ब्रियो और embryo जो है नॉर्मली दे आर प्रोटेक्टेड इन द दरसा एंड समाइम्स दे आर आल्सो नॉरिश बाय द पेरेंट्स। एम्ब्रियो के बाद जो है फर्दर डेवलपमेंट होगी फर्दर डेवलपमेंट के बाद जो अगली लार्वल स्टेज आएगी उसको हम कहेंगे इसमें ऑफी प्लेटियस लार्वा अब ऑफी प्लेटियस लार्वा जो है दिस इज़ यूजुअली पलेंगटन फीडर दिस विल शो इट्स मूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इस लार्वे के अंदर आर्म्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी आर्म्स जो हैं दे विल आल्सो बीयर सिलियरी बैंड्स अब ये सिलियरी बैंड्स जो हैं यह सिलिया जो हैं ये बीट करते हुए इस पलेंगटॉन फीडर लार्वे को फूड प्रोवाइड करेंगे एंड देन दिस लार्वा undergoes a process which is known as metamorphosis metamorphosis is series of changes that takes place from the larvae till the formation of adult here is my metamorphosis uh, this will jab ye metamorphosis ka process start oga so these larvae will usually sink to the substrate कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं ऑफिजूरेट्स की जिनके अंदर फर्टिलाइज एग जो हैं दे डेवलप डायरेक्टली इनटू द यंग वंस एंड डू नॉट अंडर गो एनी लार्वल स्टेज सम स्पीशीज़ जो हैं ब्रिटल स्टार की या बास्केट स्टार की दे यूजुअली मेक बोथ एग्स एंड स्पर्म्स एंड देन आफ्टर यूनियन एग्स एंड स्पर्म्स दे विल एंड एंडगोड दे डेवलप इन पाउच एट द बेस ऑफ फीमेल आर्म्स This is the brittle star larvae. This larva is free-swimming larva. This is also having ciliary bands. These ciliary bands will help in providing its food because it is free-floating. Then after some time this larva will settle attached to some substratum and will undergo process of metamorphosis and after metamorphosis some changes will take place, and this larvae will develop into an adult.